हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कैन। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये आपके, देखो मैं बता देता हूँ, आपके 2023 के जितने पेपर हुए थे 2023 के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो कि वो भी आपको सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं, जो कि हार्ड क्वेश्चन थे, वो सारे हार्ड क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को लाइक कर दो, सारे क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो आपका खंड अ वाला करने वाले हैं। खंड अ में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, और उसमें सबसे पहले आप लोगों का उपभाग पहला हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उपभाग दूसरा, उपभाग तीसरा। उपभाग में फिजिक्स के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि मेरे प्यारे बच्चों की एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा उसका प्रकृति क्या होगा? 40 सेंटीमीटर अवतल की 40 सेंटीमीटर उत्तल, 4 सेंटीमीटर अवतल की 4 सेंटीमीटर उत्तल। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंस की क्षमता दिया है -2.5 डायोप्टर, तो लेंस की क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। तो यहां से पी बराबर हमको दिया है, पी बराबर दिया है -2.5 डायोप्टर। ठीक, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम एफ निकाल सकते हैं, फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी पूछा है, लेंस की फोकस दूरी। एफ बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 100/P, 100/ क्या होता है, पी। यहां से अगर मैं एफ की वैल्यू निकालू तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 100, और बटे की अगर हम बात करें तो पी, पी का वैल्यू कितना दिया है, -2.5 दिया है। अगर मैं एफ बराबर लिखूं तो ये दशमलव हटाने के लिए मुझे एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा आप लोगों का 1000, क्या हो जाएगा, 1000, और नीचे हो जाएगा आपका माइनस के 25 हो जाएगा। जब 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, तो एफ बराबर 4 और एक जीरो यहाँ बचेगा, तो एफ बराबर 40, लेकिन माइनस का चिन्ह तो लगेगा ना, तो एफ बराबर -40, तो एफ बराबर -40 आपका आ गया फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा था, देखो नीचे लेंस की फोकस दूरी तो निकल गया आपका कितना, -40। प्रकृति पूछा है तो माइनस में है, इसलिए क्या होगा, अवतल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर अवतल। माइनस किसको डिनोट कराता है, अवतल लेंस को, इसलिए 40 सेंटीमीटर अवतल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही प्लस में रहता तो उत्तल हो जाता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का, तो 40 सेंटीमीटर अवतल पहला वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेंगे। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न है कि यदि विद्युत शक्ति पी तथा प्रतिरोध आर से व्यक्त होता है तो विद्युत धारा व्यक्त होती है, तो विद्युत धारा का वैल्यू पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर, ए फार्मूला होता है, आपने भी सुना होगा। यहां से आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो अगर मैं आई की वैल्यू निकालू तो इधर मैं आई स्क्वायर लिखू तो आर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा पी बटे के क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं इस तरह, आई स्क्वायर बराबर पी बटे के आर। तुमको आई निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, या वर्ग में उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे के आर। और आई क्या होता है, विद्युत धारा होता है, क्या होता है, विद्युत धारा। बस विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया, करड़ी में पी बटे के आर। ये पूछा है कि विद्युत धारा व्यक्त होगी किससे, तो आई बराबर करड़ी में पी बटे के आर, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी वाला सही होगा, यह करड़ी में पी बटे के आर। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रकाश की चाल माध्यम एक व माध्यम दो में V1 तथा V2 है। प्रकाश की चाल
माध्यम एक में तो उसका चाल V1 है और माध्यम में दो उसका चाल V2 है। तो माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष अगर निकालेंगे तो क्या होगा? तो माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष मेरे प्यारे बच्चों होगा V2/K V1 होगा, V2/K V1 ये तो जानते ही हो तुम लोग पढ़े हो। तो V2/K V1 मतलब ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 4, किनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, कि बी वाला ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं, कि तीसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। बस आगे सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है कि इनमें से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? किस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है अधिकतम होता है? उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की, यहाँ पे अवतल दर्पण की, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, तो मेरे प्यारे जो उत्तल दर्पण, ये जो उत्तल दर्पण है ना, इसका दृष्टि जो क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए आएंगे ऑब्जेक्टिव में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों देखो, बहुत प्यारा प्रश्न, इसको लगाना पड़ेगा कि आर व टू आर उनके प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब इसमें से क्या होगा? अगर मैं R1 R2 की अनुपात निकालूंगा तो क्या होगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत प्यारा प्रश्न है। सबसे पहले तो बोला है कि दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध आपका R है और दूसरा प्रतिरोध आपका 2R है। दो प्रतिरोध हैं, उन प्रतिरोधों को पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, R1। उसमें बोला भी है, उसमें बोला भी है कि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 प्राप्त हो रहा है। तो R1 बराबर कुल प्रतिरोध बराबर, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों वैल्यू जुड़ जाता है, मतलब R+ 2R। तो यहां से R1 का वैल्यू निकलेगा आपका क्या, 3R। ठीक है, 3R किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, इसी प्रकार उसमें बोला है आगे कि तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध R2 हो रहा है, तब यहां पे हम लोग लिखेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम कैसे जोड़ा जाता है, 1/R2, क्योंकि समांतर क्रम उसमें बोला कि समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध R2 हो रहा है। तो 1/R2 बराबर 1/1 प्रतिरोध R प्लस 1/2 प्रतिरोध 2R, यही था। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/R2 बराबर एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, R और 2R का एलसीएम क्या होता है, 2R। तो यहाँ से 2R, R से R कैंसिल, दो दो को गुणा करोगे तो 2 + 2R से 2R कैंसिल, 1 बच गया आपका। जब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 1/R2 बराबर 2 × 3, 3/1 कितना हो जाएगा, 2R। अगर मैं यहाँ पे तिर्यक गुणा करता हूँ कि 2R को गुणा 1 में करूंगा तो हो जाएगा 2R बराबर, इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 3R2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3R2 इसका गुणा होगा। तो अगर मैं R2 का यहाँ पे वैल्यू निकालू, इसको R2 को ऐसे ही छोड़ देता हूँ R2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2R, और 3 गुणा में तो आ जाएगा 3 भाग में। तो यहाँ पे देखो R2 का भी वैल्यू निकल गया, ठीक,
और यहाँ पे देखो R1 का भी वैल्यू यहाँ पे निकल गया। ठीक है, हमसे अनुपात पूछा है कि R1/R2 का अनुपात बताओ, तो R1 का वैल्यू कितना आया था 3R, और R2 का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 2R, और बटे के कितना आया 3। ठीक है, तो देखो R से R कैंसिल, 3 का जाके गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 3 9 और नीचे बच गया 2, तो अनुपात कितना आया R1/R2 का जो अनुपात आया मेरे प्यारे बच्चों 9/ कितना आ गया 2, यही होगा राइट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं कोई ऑप्शन है 9/2, देखो बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या एन गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एन गुना बढ़ता है कि एन गुना घटता है कि एन स्क्वायर गुना बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, कह रहा है कि कोई धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली में अगर हम फेरों की संख्या एन गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो एन गुना बढ़ जाता है, मतलब जितना गुना बढ़ाएंगे उतना ही गुना वो बढ़ता है, तो एन गुना बढ़ा रहे हैं तो मतलब एन गुना बढ़ जाता है बस। चलो ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, अब यहां से आगे आपका उपभाग दूसरा स्टार्ट हो गया, 8वां प्रश्न से उपभाग दूसरा, और उपभाग में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, चलिए उनको देखते हैं। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, 8वां प्रश्न से स्टार्ट हुआ। देखो कह रहा है कि एंटीमनी है, और सबको मालूम है कि जो एंटीमनी है वो क्या होता है, धातु कहलाता है कि अधातु की उपधातु है कि मिश्र धातु है एंटीमनी, तो सबको मालूम कि एंटीमनी जो होता है वो उपधातु होता है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इतना तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, और 9 क्वेश्चन भी आपको मालूम होगा, लेड नाइट्रेट कितना सिंपल, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 की PbNO3 होल ट्वाइस की PbNO2 होल ट्वाइस की PbO, आपको उतना है लेड नाइट्रेट का आपको सूत्र बताना है। ठीक है, सबको मालूम बी वाला ऑप्शन होगा, लेड PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से बताना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसका रेशियो 1:2 जिसका रेशियो बनता है वो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, सबको मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो देखो ये बनना है 2 और 4 का, काटूंगा तो 2 एकम 2 और 2 दुनी के 4, मतलब C2H4। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 11वां प्रश्न की बात करें तो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या है, यहाँ पे CHO > CO के बराबर है कि OH की COOH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, क्या होगा प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होगा, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्योंकि एल्डिहाइड कहलाता है, क्या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 कि AST का अम्ल का IUPAC नाम, IUPAC नाम, ठीक है, किसका, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एसिटिक अम्ल ये तो होगा नहीं, एथेनोइक अम्ल, बिल्कुल सही आंसर यही है, एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसके बाद अगर हम 13वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो 13वां प्रश्न यह है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MClII है तो अगर उसके हम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, MO2 कि MO कि M2O3 कि M2O, तो देखो अगर क्लोराइड का सूत्र अगर MClII है, ऑक्साइड का सूत्र MO होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को 13वां प्रश्न भी। चलिए 14 प्रश्न देखते हैं, और 14 प्रश्न से आपका उपभाग तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, उपभाग तीसरा का मतलब कि बायोलॉजी के प्रश्न है, इसमें किसके क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, ठीक है,
निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर की हरे पौधे। ठीक है, बताओ 14 का राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्पादक की अगर हम बात करें तो हरे पौधे, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलो 15वां प्रश्न देख लो। 15वां प्रश्न में यह है कि मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी टी और बौने पौधे स्मॉल टी टी के अगर मध्य हम क्रॉस कराएं तो प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सभी लंबे पौधे मिलेंगे कि सभी बौने पौधे मिलेंगे कि आधे लंबे और आधे बौने पौधे के 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे मिलेंगे। ठीक है, देखो अगर कैपिटल टी टी है और क्रॉस करवाते हो स्मॉल टी टी का, तो कैसे आपको प्रथम संतति में, किसमें प्रथम संतति में अगर हम कैसे मिलेंगे पेड़? ठीक है, तो सभी लंबे मिलेंगे अगर इस कैपिटल टी टी का, अगर स्मॉल टी टी में अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम संतति में हमेशा लंबे पौधे ही देखने को आपको मिलेगा। ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन की जल एवं ऑक्सीजन की जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में किया जाता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है लेकिन ऑक्सीजन तो कैंसिल, जल ऑक्सीजन ये भी नहीं, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सबको मालूम है यही होगा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 16 का सी। बात करेंगे 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि समान समान एक क्या आपका समान एक लिंगी नर पुरुष में नहीं पाया जाता है। समान एक लिंगी नर, जो नर पुष्प होते हैं तो नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, क्या? वायदल की पंखुड़ी, वायदल पंखुड़ी की दो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, पुंकेसर की वार्तिकाग्र। ठीक है, तो ये वार्तिकाग्र जो है वह आपका नर पुष्प में नहीं पाया जाता है समान एक लिंगी में। चलिए 18वां प्रश्न देखो। 18वां प्रश्न है कि इंसुलिन, जो इंसुलिन है वो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा कि अग्नाशय द्वारा कि आपके पीयूष ग्रंथि द्वारा यहाँ के वृषण द्वारा। तो इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा इनका स्राव होता है इंसुलिन का। ठीक है, चलिए 18 का बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो जैव विकासवाद जो सिद्धांत दिए थे कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन दिए थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल कि यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई जी कि स्टेनले एल मिलर। तो जैव विकास सिद्धांत जो दिए थे प्रतिपादित जो किए थे वो आपके चार्ल्स डार्विन ही थे, और पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20वां प्रश्न यहाँ पे है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, अगर जीवाश्म ईंधन को अगर हम जला दें तो क्या देगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड देगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड देगा कि सल्फर के ऑक्साइड की उपयुक्त सभी। तो देखो अगर जीवाश्म ईंधन को अगर हम जलाते हैं तो हर प्रकार को आपको देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसी में देता है तो किसी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड देता है तो किसी में सल्फर के ऑक्साइड देता है। ठीक है, अलग अलग जीवाश्म ईंधन को जलाने पर अलग अलग यहाँ की ऑक्साइड निकलती हैं, इसलिए उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस बार टारगेट मेरा 90% का है, 100% 90% आप लोग 95% 100% लेकर आओगे मेरी गारंटी है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। देखो पहला प्रश्न यह है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, नहीं तो इसको हल करके भी लगाया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे फोकस दूरी दिया है ना, तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दिया है। ठीक है, और यहाँ यू का वैल्यू दिया, वस्तु रखा हुआ है
20 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा गया, तो -20 सेंटीमीटर होगा, उत्तल दर्पण में तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो पूछा है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वी का वैल्यू ज्ञात करना है। जब आप यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाओगे, और जब दर्पण सूत्र लगाकर अब वी का वैल्यू कितना आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों वी का वैल्यू आएगा -10 सेंटीमीटर दूर, वो भी कहाँ, दर्पण के पीछे। बस चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है। प्रिज्म आप लोग जानते हो, ये प्रिज्म है, जब इससे श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो कह रहा है सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, विचलन मतलब सबसे ज्यादा मुड़ता है कौन सा रंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बैगनी रंग का विचलन होता है, और यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरे का चौथा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, तीसरा है आपका कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण है, विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर, जनरेटर कैसे चलता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि यहाँ पे आपके यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा, इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि जनरेटर कैसा है आप लोगों का, जनरेटर में पहले यांत्रिक ऊर्जा लगता है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब बाहरी ऊर्जा जो आप अपने हाथों से लगाते हो, पहले हम लोग हैंडल पकड़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा, फिर जैसे जैसे उसको घुमा के चालू करते हैं तो फिर वो चालू हो जाता है, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखो, चौथा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, अगर हम यहाँ से प्रतिरोध निकालें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्रतिरोध निकालूं तो फार्मूला एक होता है R बराबर फार्मूला होता है V² / P, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया क्या है, वाट आपको दिया है, वी का वैल्यू कितना दिया है 220, और पावर पावर का वैल्यू कितना दिया है 100 वाट, ठीक है। या आर पूछ रहा था, आर बराबर क्या हो जाएगा V² V हमारे पास क्या है 220, तो 220 गुणे 220 और बटे में P, P का वैल्यू कितना है 100, तो 1 जीरो से यह जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आर बराबर क्या बच जाएगा 22 गुणे के 22, जब 22 में 22 गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 484। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आप लोगों को मालूम चल गया कि बी वाला सही होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो क्या है, पांचवा है कि प्रोपेनॉल है, पांचवा है आपका कि प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल इसमें कौन सा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि C3H6OH, ये क्या है आपका प्रोपेनॉल है। चलिए पांचवा प्रश्न क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधातु है, इसमें से बताना है कि अधातु कौन है चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, सही है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या है आप लोगों का अधातु है फौरन, ठीक है। इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन हो गया कि अधातु पूछा था। इसके बाद सातवां है, सातवां आपका कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, लोहा कॉपर सोडियम के आपके यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस किसमें बनती है, मेरे प्यार बच्चों सोडियम से, जब सोडियम में आप ठंडे जल मिलाओगे ना तो वहां हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा, रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 8 है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, करे कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो देखो वृक्क मतलब क्या होता है किडनी, किडनी किससे संबंधित है, तो सबको मालूम है कि उत्सर्जन से संबंधित है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन से संबंधित है किडनी, उत्सर्जन का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण मतलब तो जो भोजन अपना स्वयं बनाते हो, तो उनके लिए उपयुक्त सही सभी है, क्योंकि उपयुक्त सभी इसलिए है क्योंकि पौधा अपना स्वयं भोजन बनाता है, और पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन जो चौथा है वो हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। इसके बाद 10वां प्रश्न अगर हम लोग देखें, 10वां है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाजोडियम में कि लिशमानिया में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे ईस्ट में होता है, कहाँ पे ईस्ट में होता है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
इसके बाद 11वां प्रश्न है कि पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होता है? बाह्यदल होता है कि अंडाशय, अंडक, कि आपके परागकण? तो पराग कोष में परागकण ही तो होगा। सिंपल जवाब है आप लोगों का, चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न हो गया 11। 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 क्या है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी होता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम किसी में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी उसका वैल्यू ले सकते हैं, मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, साथ ही साथ सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। इसलिए ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, 13वां यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है, कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, यदि प्रकाश की किरण क्या होगी? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन तब तो होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तभी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक हो सकता है। जब सघन माध्यम से किस में जाएगा, विरल माध्यम में, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि प्रतिरोध आर के, बहुत इंपोर्टेंट जो प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट, लिख लीजिए, 100% गारंटी है कि प्रश्न आएगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को चार बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश अपान आर का अनुपात का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/16। क्या हो जाएगा? 1/16। बस कभी कभी लास्ट में इसको अनुपात को पलट देता है, जैसे आर डैश बटे आर दिया है ना, तो क्या हो रहा है, 1/16। कभी क्या करेगा कि आर को ऊपर कर देगा, आर डैश को नीचे कर देगा, तो आप 16 को ऊपर कर दीजिएगा, 1 को नीचे कर दीजिएगा, मतलब ये 16 आंसर आएगा। तो उस समय आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, अगर ये अनुपात बस घुमा देगा कि आर संबंधे आर डैश पूछ देगा तो। हालांकि यहाँ पे आर डैश बटे आर पूछा है, तो ये वाला सही होगा, चौथा। तो मैं बताती हूँ कि कंफ्यूजन मत होइएगा, एग्जाम में घुमा देता है। फिर 15वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को हम लोग किससे नापते हैं? ठीक है, सबको मालूम है कि अमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? अमीटर से। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या? अभी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको कराया था, सबको मालूम है कि Na2CO3TnH2O होगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा? हमने एक ट्रिक बताया था, अनिल अनिल हमने एक ट्रिक बताया था, मतलब अम्ल, अनि मतलब नीला को किसमें कर देता है, लाल, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। वो पूछ रहा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या कहलाएगा, तो वो तो अम्ल ही कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। आप पूछ रहा है कि इसका पीएच मान क्या होगा, अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, मतलब कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का मतलब एनर्जी ऑफ मनी, ऊर्जा का सिक्का या उसको मुद्रा कहिए के रूप में जाना जाता है, किसको हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहते हैं? सबको मालूम है एटीपी को कहते हैं, क्योंकि मेरा ऊर्जा जो है इसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एटीपी में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, मतलब चारों ऑप्शनों में से जंतु, केवल सिर्फ जंतु में कौन सी चीज ऐसी है जो पाई जाती है? सबको मालूम है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है सिर्फ जंतुओं में ही पाया जाता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर दिख रहा है क्या कहीं? पहला वाला ऑप्शन मटर पे तो किए थे, इतना तो सबको ही मालूम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे जो, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो पृथ्वी पर आने से पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? सबको मालूम है ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत जो है
वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 22 कि 1 मिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है इसका पीएच मान, मतलब सेम वही प्रश्न आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको 2 बार लिखना पड़ गया, समझ लो। नीले लिटमस को लाल करता है, अभी हमने बताया अनिल मतलब अम्ल होगा और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से छोटा होता है। इसके बाद धावन सोडा का रासायनिक नाम, अभी हम लोग धावन सोडा का सूत्र देखे थे, अब यहाँ पे रासायनिक नाम पूछने लगा कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, कौन सा इसमें अगर धातु मिला दें तो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो जिंक, अगर जिंक को अगर हम लोग तनु अम्ल से अगर हम लोग अभिक्रिया करा दें ठंडे तनु अम्ल से, तो उसमें रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 25 क्वेश्चन बात करें कि पीतल है, ठीक है, पीतल है, पीतल क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, क्या के मिश्र धातु, तो पीतल एक मिश्र धातु है, कई धातुओं अधातुओं से मिलकर बना है आप लोगों का, तो इसलिए मिश्र धातु होगा वो। इसके बाद एक कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 कहीं दिख रहा है क्या, क्योंकि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें 27वां प्रश्न, 27 क्वेश्चन, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस जल से ही तो निकलता है, किससे निकलता है, जल से ऑक्सीजन गैस निकलता है। 27 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन। चलिए 27 हो गया, 28 देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, उपयुक्त सभी हमने बताया था इस प्रश्न को अभी, क्योंकि पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी। इसके बाद यकृत स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है, लार, जठर रस, की पीत रस, की आपके अग्नाशयी रस। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा वाला, पीत रस, सबको मालूम है यकृत कौन सा रस स्रावित करता है, पीत रस स्रावित करता है। इसके बाद 30वां प्रश्न देखिए क्या है, 30वां प्रश्न यह है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, एक जाइलम आता है, एक फ्लोएम, यही तो 2 क्वेश्चन आता है, 2 में से एक प्रश्न 100% देता है, या तो फ्लोएम पूछ देगा तो जाइलम। तो देखो जाइलम मतलब कि जल, अगर जाइलम पूछे तो जल का वहन करेगा, और फ्लोएम मतलब भोजन, ठीक है, भोजन का वहन करेगा। हालांकि इसमें पूछा कि पादप में पौधे में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन करने में, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो भोजन का वहन करने में, यही दोनों में से एक प्रश्न आता है, और इसको दोनों को लिख के अच्छे तरीके से डाउट क्लियर कर लो, जब भी आएगा तो आराम से इसका आंसर बता देना। 31 देखो क्या है, 31 है कि केवल जल में घुलनशील है, मतलब कौन से विटामिन केवल जल में घुलनशील होता है, ठीक है, तो इसमें से बताना है कि जल में घुलनशील कौन है, तो बी सी, बी और सी होता है जल में घुलनशील, तो बी तो है नहीं लेकिन सी ऑप्शन में दिया है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 कि पराग कोष में होते हैं, हमने बताया था कि पराग कोष में सिर्फ परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं, चौथा वाला ऑप्शन। अब देखिए डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे, जो डीएनए पाया जाता है कहाँ पाया जाता है बताओ, तो डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, केंद्रक में, सेंटर में पाया जाता है। चलिए अगले देखते हैं, मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन कहाँ पाया जाता है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मारिया में, कि इन सभी में, बताए 34 का राइट आंसर क्या है, तो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 35, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है, मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप पूछ रहा है, तो कैपिटल टीटी होता है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कैपिटल टीटी, 35 का है। चलो 36 देते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो देखो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, सबको मालूम है, 46 होती है। इसके बारे 37 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अगर समतल दर्पण की,
तो सबको मालूम है कि अगर समतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बिल्कुल अनंत होगी। और दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अगर समतल दर्पण है तो। चलो इसके बाद देखते हैं 38। 38 है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो जब भी समतल दर्पण का यहाँ पे प्रतिबिंब का आवर्धन पूछे, एकदम नोट कर लो, इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा आपका एक आता है। क्या आता है? एक। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, एक होता है, इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है। चलिए 38 हो गया, 39 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 39। 39 है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। मतलब अवतल दर्पण आर बराबर क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकस दूरी तो एफ बराबर आर बटे के क्या होता है? 2। तो 30 का आधा कर दोगे तो कितना जाएगा? 15 सेंटीमीटर। बात खत्म। दिया है बी वाला ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को बचेगा नहीं, इतनी गारंटी है मेरी। निम्न में दिए गए माध्यमों में से प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है न्यूनतम होती है? न्यूनतम मतलब समझ रहे हो, एकदम कम होती है, ठीक है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। क्योंकि हीरा बहुत ही ज्यादा क्या होता है आप लोगों का? सघन माध्यम होता है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल जो होता है न्यूनतम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है कि श्वास सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर आपकी आंखें बिल्कुल समान हैं, स्वस्थ हैं, तो उसके लिए दूर बिंदु कितना होगा? तो दूर बिंदु अनंत होगा, क्योंकि अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो आप लोगों की आंखें जो है सामान्य स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ अगर हैं आंखें आपकी, तो आप तो दूर तक देख सकते हो, चंद्रमा को देख सकते हो, सूर्य को देख सकते हो, अनंत दूरी तक तो ही तो हैं वो लोग। चलिए 42 देखिए। 42 है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपकी आंखों में दूर दृष्टि दोष है, तो अगर आपकी आंखें में दूर दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह प्रश्न है। तो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों दूर दृष्टि दोष मतलब रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो रेटिना के आगे बनता है। तो दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देता है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। अब पूछ लेगा कि दूर दृष्टि दोष के कारण, अरे निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के आगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 43। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब किस रंग का? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, कि नीले रंग के लिए? किस रंग के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए 43 हो गया, 44 की तरफ बढ़ते हैं। और 44 प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है आवेश, ठीक है। सो को मालूम है कि क्यू बराबर आई अपान के टी होता है, अरे क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। और यहाँ पूछा है कि विद्युत आवेश, आवेश को किसमें नापते हैं? तो आवेश को कूलाम में नापते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं 45 कि किसी चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा। सेम वो इसी फॉर्मूला पे लगेगा जो हमने क्यू बराबर आई इंटू टी बताया है। देखो तो क्या पूछा, आवेश पूछा है, तो क्यू बराबर आई मतलब क्या होता है? धारा। तो 2 एम्पियर का धारा बह रहा है, इंटू टी मतलब समय, 2 सेकंड में बह रहा है, तो क्यू बराबर 4। और क्यू मतलब है आवेश, तो आवेश का मात्रा क्या होता है? अभी हमने कूलाम देखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूलाम मतलब 4 कूलाम, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 46, 46 है यहाँ पे कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को हम लोग किसमें नापते हैं? तो अमीटर से नापते हैं। तो 2-3 बार प्रश्न हमने बता चुका आप लोगों को कि अमीटर में नापा जाता है, इससे बाहर थोड़ी आता है। देख रहे हो ना, एक ही प्रश्न 2-2 बार लिया गया है, मतलब कि आपके पूरे क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। इसके बाद 47, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी तो एफ बराबर आर बटे के 2 होता है, मतलब 30 बटे के क्या हो जाएगा? 2, 15 सेंटीमीटर। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यह वाला रिएक्शन हमेशा पूछता है कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो कि जलीय विलयन लिया गया है, H2SO4 लिया गया है यहाँ पे जलीय विलयन, इन दोनों के विक्रिया जब मैं करा रहा हूँ तो BaSO4 ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है और 2HCl जलीय विलयन के रूप में प्राप्त हो रहा है। पूछ रहा कौन सा रिएक्शन है? तो देखो इधर बोलते हैं हम लोग क्या,
इधर बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है, जो रिएक्शन की बात है। इतना याद रखना कि जब भी उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस अवस्था में बच रहा है तो हमेशा आप लोगों का अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, तो योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगा, निराकरण अभिक्रिया ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, इधर ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया, और यही सही होगा। हमने क्या कहा कि उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस अवस्था में स्थिर हो रही है तो समझ लो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण वो होगा। इसके बाद 49 प्रश्न है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो यह प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि 5 ओम प्रतिरोध को तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 ओम होगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न 50वां देखिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 हमने क्वेश्चन बताया, इससे बार ये क्वेश्चन के एग्जाम पूछे जाते हैं, वही प्रश्न लिया हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिपीटेड होते हैं। जैसा कि पहला आप क्वेश्चन देख सकते हो, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस बार टारगेट हम लोगों का 95% है, बोर्ड में बिल्कुल टॉप कराने का टारगेट में लेके चल रहा हूँ, 100% करा के रहूंगा, मेरा वादा है। बस आप सपोर्ट करते रहिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने जहां जितने भी फ्रेंड आपके पास है। पहला प्रश्न देखो कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को देख के जान जाओगे, ये क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो तुरंत देख के जान जाओगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। देखिए एनसीईआरटी का यह प्रश्न है 2022-2023, ज्यादा तो अंदर में नहीं जा रहा हूँ, 2022 से 2023 का आप ले लो, कि लगातार यह प्रश्न दोनों साल से आ रहे हैं, 2024 में भी 100% आने वाला है। क्या होता है संयोजन वियोजन अभिक्रिया, इसे देखेंगे बहुत डिटेल में। पहले आप हेडिंग डालना है, संयोजन अभिक्रिया, हेडिंग आप डाल लिए। इसके बाद देखो, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ के अणु बनाए, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको और स्पष्ट होगा, जैसे यहाँ पे सोडियम धातु है और उसे क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है, ठीक है। देखो एक तो आपका सोडियम हुआ, एक आपका क्लोरीन हुआ, ये दो अलग पदार्थ हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, अभी आपस में जुड़कर सिर्फ एक पदार्थ बना रहे हैं, वो है आपका सोडियम क्लोराइड। तो वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर सिर्फ एक पदार्थ बनाए, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, दूसरा दूसरा आपका है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, यह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत संपन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या कर रहा है, जस्ट उसका उल्टा, संयोजन का जस्ट उल्टा। संयोजन में क्या होता था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते थे, लेकिन वियोजन में क्या होगा कि एक पदार्थ जो है वो कई कई पदार्थों में टूट जाएगा, सिर्फ एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट जाएगा, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, प्रकाश के द्वारा होती है, और विद्युत द्वारा होती है। और यहाँ पे बोला कि वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन, एक तो आपका ऊष्मीय वियोजन होता है, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कह रहा है कि कोई भी पदार्थ वियोजन के अभिक्रिया, कह रहा कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया अगर ऊष्मा देने के कारण होगी तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगी। सिंपल उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन, ये ऊष्मा के द्वारा होता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया किसके द्वारा हुआ है,
गर्म करने पर ऊष्मा के द्वारा, इसलिए उसमें भी योजन का उदाहरण है। देखो पोटेशियम क्लोराइड है, उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप गर्म भी लिख सकते हो या ऊष्मा भी लिख सकते हो। ऊष्मा प्रदान करने पे या गर्म करने पर यह अभिक्रिया हो रही है। तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो पोटेशियम क्लोराइड में तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में भी कौन सा है, ऊष्मीय वियोजन है, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा हो रहा है। इसके बाद दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन, एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन। वो लिखेंगे हेडिंग डाल के कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे हम विद्युतान वियोजन कहते हैं। मतलब विद्युत के द्वारा जो अभिक्रिया हो, उदाहरण में एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। जो सोडियम क्लोराइड का वियोजन होता है वो विद्युत के द्वारा होता है। कैसे, देखो कह रहा है कि गलित सोडियम क्लोराइड में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरिन में वियोजित हो जाता है। देखो जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को जब हम इसमें विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं, जब इसमें हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं, तो किसमें चेंज हो जा रहा है, तो यह आपका सोडियम और क्लोरीन में बदल जा रहा है, ठीक है। तो यह आपका वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में भी अगर विद्युत धारा से अभिक्रिया हो रही है तो यह आपका आपका विद्युत वियोजन कहलाएगा, ठीक है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया ना, दोनों संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया खत्म। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा मेरे प्यारा बच्चों, पहला प्रश्न था, प्रश्न नंबर दूसरा है कि ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखो यह प्रश्न कितना लगातार पूछा गया है, 2013, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में और 23 में, और 100% मेरी गारंटी है कि 2024 में आने वाला है, ठीक है। बस इसको आप तैयार कर लो अच्छे से। क्या है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी ऊर्जा निकलती है। कह रहा है कि जिसमें अगर आप कोई भी रिएक्शन देख रहे हो, अगर उसमें उत्पाद जो होता है, इधर अभिकर्मक होता है, इधर उत्पाद, अगर उत्पाद के साथ साथ अगर ऊर्जा निकल रही है तो 100% ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको मैंने जल से अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ ही साथ उसमें ऊर्जा भी निकला। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो जाते हो मार्केट से चूना खरीद के लेके आते हो, उसको जब पानी में भिगोते हो तो खौलने लगता है, बिल्कुल हीट हो जाता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। तो ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, और उसका हमने उदाहरण दे दिया आप लोगों को। चलो अब अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब इसमें तो ऊर्जा निकल रहा था, इसमें ऊर्जा खर्च होता है, ऊर्जा दोगे तभी अभिक्रिया होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो जैसे H2O जल है, तो जल है तो जल में पहले हम लोग ऊष्मा करेंगे, मतलब जल है उसको हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे। जब वो गर्म होगा तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूटेगा। तो भाई पहले ही हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब ऊष्मा को सोख रहा है पहले ही, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। चलो प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। ऐसे ऐसे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, सारे एग्जाम में आएंगे, 100% मेरी गारंटी है। हर साल पढ़ाता हूँ, हर साल बच्चे टॉप करके आते हैं। चलो प्रश्न नंबर तीसरा देखो कि अम्ल क्षार लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में जरूर पूछेगा, तीनों साथ में ही पूछता है कि उसका परिभाषा और एक एक उदाहरण दीजिए। चलो सबसे पहले हम लोग अम्ल के देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जिसे जल में घोलने पर वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, अगर HCl को हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो HCl जलीय विलयन में जब जाएगा तो वो दो भागों में टूट जाएगा, एक तो हाइड्रोजन प्लस में और क्लोरीन माइनस में, तो H+ हाइड्रोजन आयन इसी को कहते हैं। तो जो H+ में टूट जाए उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, सिंपल। क्षार किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। मतलब सिर्फ आपको OH ऋणात्मक ही देगा और कोई ऋणात्मक आयन नहीं दे सकता, सिर्फ OH- ही देगा। जैसे उदाहरण पे समझो सोडियम ऑक्साइड है NaOH, ठीक है,
इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको जब हम लोग गर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो देखो सोडियम में टूट रहा है और ओ एच माइनस में टूट रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन में टूट रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जो एच प्लस में टूटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। जो ओ एच माइनस में टूटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सिंपल। लवण किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब एच प्लस के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन या हाइड्रोक्सिल आयन ओ एच के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो लवण कहलाता है। तो इसमें दोनों ही आ जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट उदाहरण में हमने लिया, जिंक सल्फेट को जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो देखो जिंक धनायन में भी टूट रहा है, ISO4 आपके ऋणायन में भी टूट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लवण कहलाएगा। सिंपल। चलो प्रश्न नंबर फोर देखो। प्रश्न नंबर फोर है कि विरंजक चूर्ण को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम गुण उपयोग लिखिए। देखो 2013 में प्रश्न, 15 में प्रश्न, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, बताओ लगातार आ रहे हैं, तो 2024 का भी लिस्ट इसमें आप जोड़ सकते हो और इसे याद कर लो। क्या है उत्तर, तो ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अतः इसका सूत्र जो होता है, अणु सूत्र, वो होता है आपका CaOCl2, ठीक है। बहुविकल्पी में तो भी पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताओ, अणु सूत्र, तो CaOCl2 याद रखना। बनाने की विधि क्या होती है, तो यह सूखे बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। ये एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, उसको बनाने की विधि का हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। उपयोग देखते हैं इसका। चलिए उपयोग से पहले गुड़ इसका देख लेते हैं, गुड़ भी पूछा था ना। गुड़ क्या है, पहला, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि क्लोरीन की गंध आती रहती है, पहला गुड़। दूसरा गुण, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है और इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है, दूधिया होता है। दो गुण हमने बहुत अच्छे अच्छे आपको बता दिए, याद भी हो जाएगा। उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग में पहला, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा, आक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, क्लोरोफार्म बनाने में भी किया जाता है। और चौथा, चीनी को सफेद करने में भी किया जाता है। पांचवा, पेय जल को जीवाणु रहित करने में, तो उनके बैक्टीरिया को मारने में भी किया जाता है, ठीक है। पांच हमने उपयोग बता दिया। चलो पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, बेकिंग सोडा की विधि गुड़ अणु सूत्र लिखिए तथा उपयोग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन है 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, अब लो 24 भी ऐड करो इसमें, कह रहा हूं ना एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आप इसको नोट करके याद तो करो। देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, चाहे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तथा अणु सूत्र की अगर हम बात करें तो अणु सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। और बनाने की अगर हम विधि बात करें कि बनाने की विधि क्या होता है इसका, तो देखो बनाने की विधि होता है, इसके निर्माण के लिए साधारण नमक NaCl, जल H2O वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अभिक्रिया किससे करानी पड़ती है, अमोनिया से कराई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो NaCl नमक हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यह जल। जब इसको हमने मिक्स करके बनाया तो अमोनिया क्लोराइड NH4Cl बना और सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 बना, ठीक है। चलिए उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, रसोई घर में किया जाता है, स्वादिष्ट खस्ता और पकौड़ा बनाने के लिए, ठीक है, किया जाता है, इसका उपयोग लिख लो। चलो अब प्रश्न नंबर सिक्स, धावन सोडा, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, या तो आपको धावन सोडा या तो बेकिंग सोडा दोनों साथ में दे देता है, या दोनों में से कोई एक जरूर देगा आपको। तो धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग लिखिए। 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, प्रश्न लगातार पूछे गए, तब मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर में आप क्या लिखोगे, उत्तर में आप लिखोगे कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
वह इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2, मतलब जल के 10 यहाँ पे अणु रहते हैं, Na2CO3.10H2 इसका क्या होता है अणु सूत्र होता है। और कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर वह सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। जैसा देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या आपका कास्टिक सोडा, इसमें जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूटा Na2CO3 में, और साथ ही साथ इसमें जल भी निकल रहा है। बस हो गया। और उसमें एक लाइन और लिखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने का सोडा भी कहा जाता है, तथा सोडा एस नाम से भी इसे जाना जाता है, सोडा एस नाम से भी जाना जाता है। उपयोग की अगर हम बात करें तो कपड़े धोने में, जिससे आप लोग कपड़ा धोते हो, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए यह भी प्रश्न हो गया। अब सातवां प्रश्न देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में प्रश्न पूछा गया है कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको साफ क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि मैग्नीशियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है, मतलब बहुत जल्दी ही क्रिया कर लेती है। जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह जो होती है वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। जैसे होगा क्या कि जैसे हम लोग यह आपका मैग्नीशियम जो है उसको अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो बाहर आपके वायु में क्या है ऑक्सीजन घूम रहे हैं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इस पे परत धीरे धीरे क्या होता है ऑक्सीजन के ऑक्साइड का परत जम जाता है इस पे। वही बोला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफी स्थिर होती है, मतलब उसमें जमी रहती है, और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। जब इसे जलाओगे तो ऑक्सीजन से ही जलाओगे, जब इसे जलाओगे तो खुद ऑलरेडी इस पे चिपका हुआ है तो ऑक्सीजन से कैसे जलेगा, ऑलरेडी इस पे आपके ऑक्साइड जमे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग रगड़ते हैं, रिबन को हम लोग साफ करते हैं कि ऑक्सीजन का जो पहला वाला टुकड़ा है वो साफ हो जाए, लोहा दिखे, अब उसको जलाएंगे तो जलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है, और इस परत को हटाने के लिए रिबन को हम लोग रेत मालेट बालू पेपर मिलता है। ठीक है, उससे हम लोग रेत माल से साफ किया जाता है इसको, तब जाके वो अभिक्रिया कर पाएगा और जल पाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर आठवां है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखो 2013 में, 14 में, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 सब में पूछा गया है। मैंने कहा ना कि काफी रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हर साल एग्जाम में आते हैं। बस वीडियो को आप लाइक कर दो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी आप लोगों की 70 में 70 नंबर लाने की, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है। बिल्कुल, जब हम लोग खाना खाते हैं तो पीसते पीसते छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, और इन कणों में जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स होता है वे हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, साथ ही वहां श्वास द्वारा ली गई जो ऑक्सीजन भी पहुंचती है, अतः श्वसन की प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन व ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। जैसे देखो जब हम लोग खाना खाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भोजन जो है लास्ट में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर ग्लूकोज के फॉर्म में इंक्लूड हो जाता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन जाता है वो ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो कि हम लोग बाहर छोड़ते हैं, साथ ही साथ जल बनाता है जो हमारे शरीर से निकलता है, और साथ ही साथ उसमें से ऊर्जा भी निकलती है। तो ऊर्जा निकल रही है तो भाई ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया तो कहलाएगा ही। तो वही कह रहा है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं बताइए, तो वही हमने डिटेल में बताया आप लोगों को। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, 2014 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, साथ ही साथ आपके 22 में और 23 में भी प्रश्न पूछा गया है, अभी हाल ही में जो एग्जाम 23 में हुए उसमें। तो लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, सबको मालूम है कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं ताकि वह वस्तु जो है संक्षारण से बच सके, किससे बच सके, संक्षारण से बच सके। पेंट के द्वारा
लोहे की वस्तु का आर्द्रता व वायु से संपर्क टूट जाता है। जैसे पेंट कर दोगे तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया वो नहीं कर पाएगा, आर्द्रता मतलब वायु में जो नमी होती है उससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिससे संक्षारण नहीं होता है। बिल्कुल, इसलिए तो हम लोहे को पेंट करते हैं कि इस पे अगर पेंट की परत चढ़ जाएगी तो वातावरण में जितने भी ऑक्सीजन और आर्द्रता है उससे संपर्क हो ही नहीं पाएगा, तो वहां से रिएक्शन कहाँ कर पाएगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वां कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को कह रहा है कि तैलीय चीज जो तेल से बनी चीज होती है उसको हम नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं उसमें। ठीक है, तो देखो उत्तर में लिखे, ये भी प्रश्न देख लो, 13 में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो चलो देखते हैं, कह रहा है कि तली हुई चीजों जैसे चिप्स हुआ आदि के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर दी जाती है जिससे चिप्स का उपचयन न हो। कह रहा है कि तैलीय वाला चीज जैसे पैकेट वाला चीज जाते हो कुरकुरे खरीदने के लिए, चिप्स खरीदने के लिए, बहुत सारी चीजें जो पैकेट में पैक होती हैं उसमें उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरा निकालने के बाद उसमें नाइट्रोजन भर के पैक कर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अभिक्रियाशील नहीं है। ठीक है, अभिक्रियाशील नहीं है, अगर ऑक्सीजन रहता तो अभिक्रियाशील हो जाता और उसका स्वाद गंध में बदल जाता और बिल्कुल बेकार हो जाता है। कभी भी नोटिस कीजिएगा कि अगर चिप्स एक पैकेट खरीद के लेके आ रहे हो उसको फाड़ कर दो टे खा लो और बाकी रख दो, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर देगा, 2-4 घंटे में उसका स्वाद पूरा हर एक चीज बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है कि ताकि वो खराब ना हो, 2 महीने, 2 साल, 3 साल तक चलता रहे। जैसे उसको फाड़ोगे ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करेगा, रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि इन पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक को एक एक उदाहरण दीजिए। कौन कौन, संक्षारण, देखो संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है, ये ऐसे दो टॉपिक हैं कि हमेशा से पूछे गए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगातार, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सारे लोग जानते हैं कि प्रश्न पूछा ही जाता है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे क्या, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, अभी हमने देखा कि लोहे पर पेंट क्यों करते हैं, वही तो है संक्षारण। धातुएं अपनी आसपास उपस्थित नमी के कारण, अम्ल के कारण, जल आदि के संपर्क में आने पर खराब होने लगती है तथा यह प्रतिक्रिया ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मतलब तो यही होता है, कोई चीज अगर एक वस्तु यहाँ रख देता हूं तो बाहरी नमी के कारण, अम्ल के कारण या जल के कारण, उसपे संपर्क के कारण जब उसपे मिलेगा तो धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चलो विकृत गंधिता किसे कहते हैं उसे देखते हैं, देखो और उदाहरण उसका पहले उदाहरण लिख लो संक्षारण का उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के गहनों पर काले रंग की परत चढ़ना, तांबे पर हरी रंग की परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना जैसे अभी हमने देखा। विकृत गंधिता किसे कहते हैं इसे नोट करो, तो देखो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के समय के साथ अपने आसपास मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं जिससे इनका स्वाद व गंध खराब हो जाता है, अर्थात यह खाद्य विकृत गंधिता हो जाते हैं तथा यह प्रतिक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। अभी हमने कहा ना कि चिप्स में नाइट्रोजन भरा जाता है, वही चीज उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। वही कह रहा है कि तेल से बनी कोई भी खाद्य पदार्थ है अगर उस वह खुला छोड़ दोगे तो समय के साथ उस बाहरी वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और इसलिए उनका स्वाद और गंध जो है खराब होने लगता है और उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण में जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अभी हमने बताया कि चिप्स के पैक में बहुत जो भी पैकिंग होता है उसमें सभी में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसलिए भरी जाती है कि ताकि उसमें ऑक्सीजन न प्रवेश कर पाए, नहीं तो विकृत गंधिता कर देगा, उसके स्वाद को गंध को खराब कर देगा। ठीक है, ये रहा मेरे प्यार बच्चों आज वीडियो में बस इतना ही, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, अभी बहुत सारे हैं, ऐसा मत सोचो कि बस इतना ही रिपीटेड क्वेश्चन, अभी आगे बहुत है, उसको भी मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताना वाला, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल 70 में 70 नंबर की मैं तैयारी कराने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।